यूएस ओपन रिकॉर्ड बनाने के बाद मिली हार तो रोने लगी 15 वर्षीय टेनिस स्टार ओसाका भी हुई इमोशनल। न्यूयॉर्क यूएस ओपन में उस वक्त माहौल थोड़ा गमगीन हो गया जब दुनिया की नंबर एक महिला टेनिस स्टार नाओमी ओसाका से हारने के बाद कोको गॉफ रोने लगी। महज 15 वर्षीय की उम्र में ग्रैंड स्लैम के तीसरे दौर में पहुंचने का कारनामा करने वाली कोको को गत चैंपियन नाओमी ओसाका से एक तरफा हार मिली। ओसाका ने 65 मिनट तक चले मुकाबले में कोको को 6-3, 6-0 से मात दी। हारने के बाद कोको रोने लगी तो जापानी स्टार ने भी मिसाल पेश की और प्रतिद्वंद्वी को जाकर गले लगाकर सांत्वना दी। गॉफ को संभालने के बाद खुद भी रोने लगी ओसाका। ओसाका ने कहा, जब मैंने उससे हाथ मिलाया तो मैंने देखा कि उनके आंसू आ रहे थे। वह इतनी छोटी भी हैं। मैं चाहती थी कि उन्हें महसूस कराऊं कि उन्हें सिर ऊंचा कर कोर्ट से जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में यहां तक जगह बनाई है। बात यही खत्म नहीं हुई। मैच के बाद एंकर नाओमी से सवाल पूछ रही थी तो वह खुद भी इमोशनल हो गई और खुद भी रोने लगी। अब ओसाका का सामना स्विट्जरलैंड की 13वीं वरीय बेलिंडा बेंसिच से होगा, जिन्हें एनेट कोंटावेट के बीमार होने के कारण वॉकओवर मिला। नाओमी की खेल भावना की फैंस भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, आपकी खेल भावना को सलाम, आपने जो किया वह बहुत कम लोग करते हैं। दूसरी ओर एक यूजर ने उनकी तारीफ करते हुए उन्हें महान ह्यूमन बीइंग करार दिया। सेरेना जोकोविच ने की तारीफ, 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सेरेना विलियम्स ने कोको के बारे में बात करते हुए महिला टेनिस का भविष्य